नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोविड-19 से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है और इस महामारी का हम संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। लेकिन सिर्फ कोविड-19 को जीतने से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद का जो व्यवसाय है, उसके बाद की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद किस तरह का मार्केट रहेगा, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मुनीश जिंदल जी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं होवर रोबोटिक्स कंपनी के। इनके साथ ही सुशील वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी फाउंडर हैं KNP अराइसिस ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के। तो आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत थैंक यू। नमस्कार। है। नमस्कार। सबसे पहले मैं मुनीश जी आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार देख रहे हैं, पहले नोटबंदी को लेकर देश में किस तरह के आर्थिक आर्थिक हालात हुए थे और अब कोविड-19 को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, हालांकि पूरा देश इससे संघर्ष कर रहा है और निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में जीत जाएंगे इस बीमारी से, लेकिन देश की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरह का आएगा, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं मुनीश जी? देखिए देखिए, हम कोविड-19 के कारण एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं और इसके बाद जो ये आर्थिक संकट है, पहले ही हम आर्थिक संकट में थे। जो अब नोटबंदी हुई, उसके बाद GST हुआ, तो अब इसके कारण ये जी जो आर्थिक मंदी आएगी, ये बहुत भारी मंदी होगी। ऐसी ये ग्रेट डिप्रेशन से भी बड़ी मंदी होगी। इसमें 50 से 80% व्यवसाय उड़ जाएंगे, नौकरियों में भी भारी गिरावट आएगी और इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राहत किसी तरफ नहीं दिख रही है। अभी तो हम कोविड-19 के कारण, महामारी तो है ही है, और साथ में साथ खाने की समस्या से भी जूझ रहा है देश। जो जी गरीब गरीब वर्ग है, उनको जी खाने जी की भी समस्या है, तो इससे जी निकलना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल मुनीष जी, आपका कहना सही है कि आने वाला जो समय है वो काफी संघर्षपूर्ण होगा। हमारे साथ सुशील वैष्णव जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इन्होंने भी अपना बिजनेस अभी कुछ समय पहले शुरू किया था और एक सोशल कॉज के साथ साथ आपने बिजनेस शुरू किया था। तो सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस जो आर्थिक मंदी है या जो दिक्कतें हैं, उनको किस नजरिए से देखते हैं? जैसा कि मुनीष जी ने बताया, एक्चुअली हम लोग बहुत डिप्रेशन में, प्रॉब्ली इकोनॉमी जाने वाली है, बट द मोर सीवियर ऑफ द प्रॉब्लम इज लाइक हम लोगों को नहीं पता ये कहाँ पर रुकने वाली है। जब हमें अपना जी एंड नहीं पता टनल के बाद का, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। तो अभी जो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमें ये लगता है जी कि अगर हमें इस मार्केट में सर्वाइव करना है, दैट्स फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फर्स्ट प्रायोरिटी जब सर्वाइवल की है, तो हमारे पास उस मार्केट को रहने के लिए कितना रनवे है। रनवे का मतलब होता है कि हम जी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके कितने लंबे पीरियड तक इस पीरियड को निकाल पाए, ताकि जैसा कि दीपक जी आपका खुद का कहना है कि क्रीज पे खड़ा रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही एक हम सभी उसी फिलोसॉफी को मानते हुए कि कितने देर तक हम अपने आप जी को रोक सकते हैं और उसी में हमारी सक्सेस निकल के आई। निश्चित तौर पर सुशील जी, आपका कहना सही है कि लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं कि जब तक खिलाड़ी जो है, क्रिकेट में खिलाड़ी अपनी क्रीज में खड़ा रहता है, तब तक उसके रन बनते रहते हैं, चाहे वो लेग बाई का हो, चाहे वो नो बॉल का हो, चाहे वो वाइड का हो। लेकिन आप क्रीज से जब पेवेलियन में जाकर बैठ जाते हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, कैमरे की कोई भी नजर जो है वो आपके ऊपर नहीं होती है। यहाँ पर मुनीश जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आईटी सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में ज्यादा बेनिफिशियल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार देखिए, लेकिन आईटी सेक्टर में भी कितने लोग जाएंगे, क्या बिजनेस करेंगे? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि चाह रहे हैं कि किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करके और आईटी सेक्टर में आए, ताकि लोगों का घर परिवार भी चलता रहे और उनको जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होती रहे? बहुत बढ़िया दीपक जी। जैसे सुशील जी ने कहा है अभी कि हमें देखिए डट के खड़े रहना है, मैदान नहीं छोड़ना है, अपने घरों में बने रहना है, अपने जो खर्चे हैं उनको कम कर लें, हम अभी से संसाधनों को कम करें। चाहे हम सब कुछ खरीद भी सकते हैं, लेकिन जो संसाधन है वो सारे देश के हैं और पूरी दुनिया के हैं, तो इसलिए अपने खर्चों को भी कम करें और संसाधनों का उपयोग भी कम करें।
और दूसरी बात है, जैसे आपने आईटी का पूछा, तो आने वाले समय में आईटी पे हम और ज्यादा निर्धारित हो जाएंगे, जो जितने हमारे काम है, जैसे आज हमारा भी सेशन भी देखिए आईटी के थ्रू ही चल रहा है, जयपुर में बैठे हैं, मैं लुधियाना में बैठा हूँ और ये सेशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो आने वाले समय में जितनी मीटिंग्स होंगी, जितना कार्य होगा, वो आधे से ज्यादा काम अब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। ये अपने जितने देश के लेकिन भी नेता लेकिन भी मुनीष जी, हैं। मेरा मेरा जी मुनीष जी, मेरा सवाल यहाँ पर एक ये है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो आईटी सेक्टर में डिजिटल, कितने लोग परसेंट जो कर पाएंगे, बाकी के जो नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो पूरा गांव में बसता है, तो क्या गांव को भी पूरी तरह डिजिटलाइज करना पड़ेगा या शहर में भी इस तरह की स्थिति होगी? तो आखिर हमको क्या करना चाहिए जिससे कि गांव गांव में, घर घर में, हर जगह हम डिजिटलाइज होके होकर और एक नए बिजनेस को अपना नया आयाम दे सकते हैं? देखिए, आज सबसे एक अच्छी बात है कि मोबाइल फोन ऑलमोस्ट हर जगह है, नेटवर्क भी हर जगह है, और जहां नहीं भी है वहां भी बहुत तेजी से इसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसी के पास भी अगर कैमरे वाला मोबाइल फोन है, तो आप आज समझिए तो वो आईटी से जुड़ के अपने काम को बढ़ा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, मैं जितना अपना मीटिंग्स हैं, जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, जितनी भी चीजें, वो हम कैमरा के थ्रू, इन मीटिंग्स सारी इसके थ्रू करें, फोन के थ्रू, और अपने कार्य को इस तरह कर लें कि आज जो अपने यहाँ पे लॉजिस्टिक के साधन है वो भी देश में बहुत मजबूत है। जैसे हमारी कंपनी के ही जो 252 लॉजिस्टिक पार्टनर हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को कवर करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के नुक्कड़ कॉर्नर में कहीं भी कुछ भी भेजना है, हम अपने ऑफिस में जी या अपने घर से बाहर निकले बिना कहीं भी कुछ भेज सकते हैं। तो काम अब हमें ऐसे ही करने पड़ेंगे कि हम अगर किसी सर्विस में डील करते हैं, तो उसको सर्विस को हम ऑनलाइन डिलीवर करें, जिस किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं वो हम अपने घरों से लोगों को इस माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, लॉजिस्टिक के माध्यम से पहुंचाएं। और जहां पे देखिए, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो बिना इंसान के अपने ऑफिस गए, या जैसे आज डॉक्टर ही है, वो हॉस्पिटल गए बिना मरीज का इलाज नहीं कर सकते, वो हमें वैसे जी ही चलता रहेगा। लेकिन ये है कि आधे से ज्यादा व्यापार, आधे से ज्यादा इकोनॉमी अब आईटी पे डिपेंडेंट हो जाएगी। निश्चित तौर पर सुशील जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, आपकी जो कंपनी है आपने कुछ समय पहले शुरू की थी और इसमें भी आपकी जो ग्रीन एनर्जी को लेकर आप काफी वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या विशेषता है आपकी कंपनी की, किस तरह से आप, क्योंकि अच्छा खाएंगे जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो आप किस तरह की कंपनी आपने शुरू की और इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य रहा? दीपक जी, हम लोग एक सोशल कॉज के साथ इस बिजनेस के अंदर उतरे थे, क्योंकि जब हमने देखा कि एक्चुअली मैं पिछले काफी टाइम से इंडिया से बाहर रहता था, जब इंडिया में आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा खाने के ऊपर था कि यार मैं अपने बच्चों को कैसे सिक्योर करूं कि वो अच्छा खाना खा पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सोच के साथ मैं मार्केट में उतरा था, और जो एक चीज मेरे को लगा कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सब जगह तला भुना खाने की बहुत ज्यादा आदत है सभी, क्योंकि वो टेस्टी होता है और इजीली अवेलेबल होता है, तो उससे जी जो बचा हुआ जो तेल होता था उसका क्या हो रहा था, ऐसा किसी को मतलब देयर वाज नो रेगुलेशन, किसी कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसकी वजह से ये जो तला हुआ तेल था, एक तो हम लोगों को ये पता नहीं था कितनी बार तल के खाना चाहिए खाने को, तो हम लोग उसको कंटिन्यूस यूज कर रहे थे, उससे बीमारियां हो रही थी। दूसरा, जो लोग नॉन थे, जो पढ़े लिखे थे या जिनको रेगुलेशंस का पता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग इस तेल को उठा के कबाड़ी वाले को दे देते दे या किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट वाले को दे देते दे। तो उससे क्या हो रहा था, जो जला हुआ तेल वापस फूड चेन में आता था, और उससे हम जो सो कॉल्ड कि हम इतना कॉन्शियस रहते हुए भी अपने स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर पाने के पीछे रीजन था, क्योंकि जब कोई भी तेल 3 बार से ज्यादा यूज हो जाता है तो उसके अंदर पॉलर कंपोनेंट्स डेवलप हो जाते हैं, और ये जो पॉलर जी कंपोनेंट्स होते हैं वो आपकी आर्टरीज को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, आप उसको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कह दें, कैंसर, जी कई देशों में 1 से 2 ज्यादा बार हम तेल को यूज नहीं कर सकते, रेगुलेशन एग्जिस्ट करता है। इंडिया में नवंबर जी के बाद इसके ऊपर कार्य हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने रेगुलेशन के साथ भी काफी मदद किया उनको बनाने में, साथ में अपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। आज की डेट में हम लोग लगभग 38 सिटीज से ये खाने का काला जला हुआ तेल इकट्ठा करते हैं, इसको इकट्ठा करने के बाद बायोडीजल बनाते हैं। अब जब हम देखते हैं कि ये तो प्रकृति की माया है एक तरह से, कहूंगा कि अभी तो हम लोगों का पोल्यूशन लेवल बिल्कुल जीरो, बहुत कम हो गया है क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, पर ये वापस ऊपर हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेस तो हैं हमारे पास। तो अब उस केस में आप पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए बायोडीजल एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बहुत सपोर्ट करता है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उनकी जो रिक्वायरमेंट है बायोडीजल का वो केवल 0.01% ही अवेलेबल है। तो हम उस डिमांड एंड सप्लाई के गैप के अंदर काम करते हैं और ये खाने का जला हुआ तेल को आगे खाने में दोबारा ना जाए रोक के एक अच्छा फ्यूल बनाते हैं, ये हमारा काम है। निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि अगर हम बाहर से वातावरण सही होगा और हमारे शरीर का वातावरण भी अंदर से सही होना चाहिए तब जाकर हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि बायोडीजल जो है, जो पुराना ऑयल है, उससे बायोडीजल तैयार होगा और हम दूसरे कई विकसित देशों के साथ खड़े होकर अपने देश का एक परचम लहराएंगे। यहाँ पर वापस मुनीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आपके कई सिटीज में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके आईटी सेक्टर है और इसमें हम लगातार ये देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को या तो निकाल रही हैं या कम कर रही हैं या उनकी सैलरी जो है डिडक्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनका भी ये कहना है कि आप जॉब से मत निकालिए, आप उनको सैलरी भी पूरी दीजिए। आप इस बारे में क्या कहें, क्योंकि आपके भी काफी एम्प्लॉय हैं, आपके साथ भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, ऑनलाइन भी आपका काफी लंबा चौड़ा काम है, तो किस तरह इसको मैनेज किया जाए, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने तो अपने सारे ऑफिसेज बंद कर दिए हैं जून एंड तक, और हमने सारे अपने एम्प्लॉयज को सैलरी जून एंड तक पूरी दे दी है। हम किसी को भी निकाल नहीं रहे हैं, किसी की सैलरी नहीं काट रहे हैं। वो ये कहिए कि एक तो हमारे अंदर एक मानवीय भावना है कि जो लोग हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, अगर आप हमें एक वैश्विक आपदा का सामना करना पड़ रहा है तो ये नहीं है कि हम उनको निकाल दें या उनकी सैलरी काट लें, क्योंकि वो उसी पैसों से पूरा महीने का खर्चा चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस बात का दूसरा पहलू भी है, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को रख सकती हैं, उनको सैलरी भी पूरी दे सकती हैं। लेकिन अब आप एक छोटी छोटे स्केल की या जिसको माइक्रो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, वो अगर कंपनी बंद पड़ी है, जिसको आज कोई साधन नहीं है व्यापार करने का, जिसकी कोई सेल नहीं हो रही है, वो पैसा अगर उनके पास आएगा ही नहीं तो पैसा देंगे कहाँ से? देखिए, वो स्मॉल स्केल वाले को अपना भी घर चलाना है, तो उसमें मैं इसमें फिर भी लोगों से यही कहूंगा, निकालिए किसी को नहीं। हाँ, थोड़ा सा सैलरी कट अगर करना पड़ता है वो स्मॉल इंडस्ट्री को, तो वो जायज भी है, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री वाले को अपना भी घर चलाना है, तो जो उनके पास नौकरी कर रहा है उसको भी अपना घर चलाना है। तो वो दोनों आपसी तालमेल बिठा के एक अंडरस्टैंडिंग से इसको करें, तालमेल बिठा के कि देखिए हमें, हमारी कंपनी नहीं चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सैलरी कट में उनको भी सबर करना चाहिए, नौकरी से किसी को नहीं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस महामारी में आपका हमारा कोई भी रोल नहीं है। अब रोल हमारा जो है वो इतना है कि हम एक दूसरे से सहयोग करें, चाहे वो ऑनर हो कंपनी के, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। सुशील जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा हैं और आपने एक विदेश से वापस भारत आकर एक अपना देश में बिजनेस शुरू किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि इस महामारी में क्या आप जैसे जो व्यवसायी हैं या जो दूसरे व्यवसायी हैं उनको कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए या बैंकों से कोई सहयोग मिलना चाहिए ताकि आप अपने एम्प्लॉयज को, अपने बिजनेस को पूरी तरह से सर्वाइव कर पाए? जी सर, दीपक जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है। आज सबसे जो छोटा और मध्यम व्यापारी है उसके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके जो असेट्स हैं, उसकी जो मशीनरी पे कॉस्ट लगा हुआ है, उसका बैंक का ईएमआई तो नहीं रुक रहा है, ठीक है, आपका प्रोडक्शन जीरो हो चुका है, आपकी जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो बिल्कुल कम नहीं हुए हैं, और साथ में, और ये सही बात भी है कि हमें अपनी सैलरीज भी देनी है बंदों की, क्योंकि उनके घर का मिनिमम खर्चा तो हमें चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम्स बनने में सालों लगते हैं और कोई ये नहीं चाहता कि उनकी बनी बनाई टीम टूटे, ठीक है। तो अब जो पैसा बैंक्स लें हम लोगों के साथ इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं या प्रीमियम के रूप में लेते हैं, अगर उस पे हमें कुछ रियायत दी जाए, हमें कोई और टाइम फ्रेम दिया जाए, क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री है, हमने पिछले 5 साल से या पिछले 3 साल से उनको टाइमली पैसा दिया है, सब कुछ जैसा वो चाहते हैं वैसा किया है, तो एटलीस्ट इस टाइम पे एटलीस्ट वो हमें माफ नहीं करें। हम नहीं चाहते कि हमें किसी का पैसा माफी नहीं चाहिए, एटलीस्ट हमें टाइम और दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, ताकि हम उसको टाइमली, जैसे ही हमारा बिजनेस रिवैम्प होएगा, हम सारा पैसा दोबारा लौटा देंगे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक फैक्ट्री बंद होने से हो सकता है 50 लोग बेरोजगार हो जाएंगे,
पर उसका लोन को अगर डेफर कर दिया जाए एक साल से ऊपर, तो एटलीस्ट वो फैक्ट्री भी चलेगी, लोगों को इनकम भी होगी और उसको बंद होने से काफी बेटर रहेगा। तो ये गवर्नमेंट को डेफिनेटली हमें थोड़ा सा समाधान देना चाहिए। दूसरा, जैसे बहुत सारे हम पैकेजेस सुन रहे हैं कि गरीबों को खाना बांट रहे हैं, या हम लोग जहां पे भी पॉसिबल हो सकता है एग्रीकल्चर में अपना सपोर्ट कर रहे हैं, पर छोटा उद्यमी है उसके लिए एक बैंक से सबसे बड़ा लोन का उसके ऊपर बर्डन रहता है। साथ में उनको कुछ और गवर्नमेंट को अपने साथ एसोसिएट करना चाहिए, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं कि हम छोटे उद्यमियों से 5% लेंगे, बड़े उद्यमियों से इतना परसेंट लेंगे, बट वो एक्चुअली नीचे क्रियान्वयन उसका इतनी प्रगति से नहीं हो पाता, तो छोटा उद्यमी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को और कम्युनिकेशन उनके साथ और बढ़ाना चाहिए, उनको एक ऐसी प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहां से वो डायरेक्ट बात कर सके। आज गवर्नमेंट के पास एक जेम करके एक पोर्टल है जहां से आप कोई भी अपनी चीज अपलोड कर सकते हैं, अपना चीज बेच सकते हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसकी एफिकेसी क्या निकल के आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन जब तक हम लोगों के साथ नहीं बढ़ाएंगे, तो हम क्योंकि हमारी वजह से हम अपना ही परिवार नहीं, 50 और परिवारों हम लोग चलाते हैं, तो उसके संदर्भ में मैं चाहूंगा गवर्नमेंट से एक तो बैंक के साथ हमें थोड़ा रियायत दी जाए, दूसरा कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ बढ़ाया जाए। जो भी प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आप सभी सुन रहे हैं चाइना से लोग जापान में जैसे कुछ मेंशन किया है, यूरोपियन और यूरोप कंट्रीज बोल रही हैं कि वहां से शिफ्ट होगा, तो अगर इंडिया में कोई आना चाहता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म खोलने पड़ेंगे, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हम जितने भी हैंड सैनिटाइजर्स बनाते हैं उसके जो पंप्स आते हैं, वो सारे पंप्स जिसके हम सैनिटाइजर से वो निकल के आता है, वो इंडिया में बहुत कम बनते हैं, केवल बड़ी कंपनियां हैं HLL HUL जिनके पास, इवन ITC जैसी कंपनियां इसका इंपोर्ट करती है। तो जब इतनी बड़ी नॉर्मल कॉमन से चीज चाइना से इंपोर्ट होती है, तो गवर्नमेंट अभी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, वो सारा शिफ्ट करें, छोटे उद्यमियों के साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए और वो सारा प्रोडक्ट इनहाउस किया जाए। एंड इस टाइम पे कोई भी उद्यमी मना नहीं करेगा किसी भी नए चैलेंज को लेने के लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। निश्चित तौर पर आपका सुशील जी कहना सही है, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो बड़ी बड़ी योजनाएं भी लेकर आती है, चाहे किसानों के लिए हो चाहे व्यवसायियों के लिए हो, लेकिन उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो बीच में आकर अटक जाती है। तो सरकार को ये चाहिए कि उसके ऊपर पूरी नजर बना के रखे और एक टीम ऐसी तैयार करे जो पूरी उनके बीच में सेतु का काम करे, सरकार के व्यवसायियों के या किसान के बीच में सेतु का काम करे। जो जैसे अभी बैंकों ने अपनी 3 महीने की EMI माफ करने के लिए कहा था RBI ने, लेकिन उसके बाद भी बैंकों की इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कट रही हैं, तो इसमें पूरी तरह से आम जनता को उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि वो एक एप्लीकेशन लिख के दें बैंकों को कि भाई हमारे जो EMI है उसको कम के उसके बाद वो है आगे पोस्टपोन की जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मुनीष जी आपसे एक सवाल करना ये चाहूंगा कि पोस्टपोन करना कितना उचित है, क्योंकि 3 महीने के बाद उनको वो इंस्टॉलमेंट तो वापस पे करनी पड़ेगी, यानी कि आगे के जो 3 महीने हैं उसकी और पिछले जो 3 महीने उनकी, यानी कि जस्ट डबल EMI हो गई, तो वो क्या उस समय एफोर्ड कर पाएगा? सर ऐसा है, देखिए इसको जो डेफर किया गया, डेफर का मतलब यही है कि जब ये डेफर है 3 महीने बाद, उनको 3 महीने बाद एक एक महीने की ही देनी है। डेफर तो वो हो गया, लेकिन यहाँ पे लोगों को क्लैरिटी ये नहीं दी गई है कि 3 महीने के डेफरमेंट में उनको जो पहले इंटरेस्ट लग रहा था वो तो देना ही देना है, प्लस उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगेगा। देखिए यहाँ पे अपने अपने जो गवर्नमेंट के पार्ट पे एक चीज है, गवर्नमेंट हमारी टीवी पे आके बोल देते हैं कि ये 3 महीने की EMI को डेफर किया गया है, लेकिन क्लैरिटी किसी को नहीं दी गई कि 3 महीने की EMI डेफर हो गई तो वो विद इंटरेस्ट 3 महीने जितनी भी EMI जैसा इंटरेस्ट था वो देना ही देना, लेकिन 3 महीने का डेफर इंटरेस्ट अलग से लग रहा है लोगों को, जिसकी कैलकुलेशन आज 90% लोगों को पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनको ये उनके ऊपर भार और बढ़ रहा है, और अगर आप RBI को स्टडी करें, RBI अपना रिवर्स रेपो रेट हर रोज कम कर रहा है, तो बैंकों को क्या चाहिए इस टाइम पे, लोगों का NPA हो जाएगा, अगर बैंक साथ नहीं खड़े होंगे NPA बढ़ जाएंगे, बैंकों का नुकसान होगा। अगर बैंक इसको ना कहते हैं कि लॉन्ग व्यू, उनको अपनी विजन लॉन्ग विजन रखनी चाहिए, आज अगर भारत की जनता के साथ खड़ेंगे यहां से उनको अर्निंग्स भी होंगी, लेकिन अगर आज वो भारत की जनता के साथ नहीं खड़ेंगे तो इतने ज्यादा पैसे वो इंटरेस्ट में नहीं कमा पाएंगे जिससे ज्यादा उनके NPA हो जाएंगे। तो जैसे सुशील जी ने कहा बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें राहत नहीं चाहिए, हमें माफी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हम किसी का पैसा रखें, लेकिन डेफर कीजिए, और अगर इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं
जो अगर आप आज मान लो किसी की कार की ईएमआई है जिसपे आपने 10% ब्याज लगाया हुआ है, आज बैंक का सर्वाइवल 5% में भी है, तो ब्याज को आधा कीजिए और 3 महीने का एटलीस्ट डेफर्ड इंटरेस्ट मत लगाइए, वो बहुत जरूरी है जी। ये अगर ये करेंगे तो ही भारत देश और भारत की अर्थव्यवस्था बचेगी। दूसरी चीज, जैसे सुशील जी ने बोला कि आज आज हमें भारत सरकार से कम्युनिकेशन चाहिए, भारत सरकार जो लोगों के हित में काम करे वो बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें एक रैपिड टास्क फोर्स चाहिए। ये ना हो कि भारत सरकार योजना बना रही है, भारत सरकार हमेशा, मैं एक बात कहता हूँ, पंचवर्षीय योजना में विश्वास करती है। आज हमें पंचवर्षीय योजना नहीं, आज हमें 5 घंटे की योजना चाहिए कि रैपिड टास्क फोर्स बने, गवर्नमेंट एक योजना बनाए, 5 घंटे में वो लागू हो, लोगों को राहत मिले। आज लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठने से उनको सबसे बड़ा एक काम नहीं चल रहा, काम नहीं चलने के कारण उनको समझ नहीं आ रहा कैसे करें। चलो आज लोगों के पास अगर जो थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं उसमें से वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने खा लेंगे, अपना खर्चा भी कम कर लेंगे, लेकिन आगे क्या? अगर हमारी आज रैपिड टास्क फोर्स नहीं होगी तो वो आगे नहीं चल पाएगा। तीसरी चीज है कि जैसे चाइना से जापान ने $2 बिलियन का पैकेज दिया है कि जो भी कंपनी चाइना से निकल के आती है, चाहे जापान जाती है किसी भी देश में जाती है, उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो भारत को ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही चाहिए कि वर्ल्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारत के हाथ में आ सकती है, और भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी बन सकता है कोविड के बावजूद। लोग कहते हैं इकोनॉमी गिरेगी, भारत कोविड के बावजूद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है दुनिया। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि भारत एक नई अर्थव्यवस्था के साथ पूरी दुनिया में आए और सबको अपना जो पुराना सोने की चिड़िया वाला जो वर्चस्व है वो एक बार फिर दिखाए। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल और भी है जो मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे लगता है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो बैंक हो या RBI, इन तीनों चारों के बीच में कहीं ना कहीं कोई आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही, जिससे कि पूरा फायदा ना तो व्यवसायी उठा पा रहा है, ना उसका फायदा बैंकों को मिल रहा है, और ना RBI और सरकार जो आदेश पारित कर रही है उनका सीधा सीधा फायदा आम लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? पहले मुनीष जी, फिर सुशील जी बताइए। देखिए दीपक जी, भारत 138 करोड़ लोगों का देश है, हम सबसे बड़ा गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमें कहा जाता है। जितनी देर बैंक, जितनी देर RBI, जितनी देर सरकार, जितनी देर सारी ब्यूरोक्रेसी ये नहीं समझ लेते कि ये देश इन 138 करोड़ लोगों के कारण खड़ा है, इन लोगों के कारण चल रहा है, देश का वर्चस्व जो है इन लोगों के कारण है, उतनी देर ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज बैंकों को, सरकार को, इन सबको एक तालमेल बिठा के इन लोगों के हितों के लिए सोचना चाहिए। ये आज जो भी देश जहां पे भी खड़ा है, इन्हीं लोगों ने अब टैक्स भरे हैं हर चीज में, इन्हीं लोगों के कारण ये देश आगे बढ़ रहा है, लोग ही मेहनत करते हैं, जिससे हम जो अर्थव्यवस्था कहते हैं लोगों के कारण चल रही है। अगर आज हमारे ऊपर एक आपदा है वो 3 महीने की है चाहे 6 महीने की है, अगर 3 महीने 4 महीने 6 महीने ये लोग एक आपसी तालमेल बिठा के, कंधे से कंधा मिला के 138 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े होंगे, तो यही 138 करोड़ देशवासी इस देश को कहीं से कहीं ले जाएंगे आगे, निश्चित तौर पर। सुशील जी आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसा कि मुनीष जी ने भी कहा, तालमेल जो चीज है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिसिंग है। आप एक दिन जब RBI अनाउंस करता है कि रेपो रेट आज कम हो गया है, आप ये खुद देख पाते हैं कितने दिनों बाद उसका इम्पैक्ट आपके बैंक से आपको सुनने को आता है, उसके बावजूद भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। एटलीस्ट क्राइसिस टाइम पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है बैंक्स की रेपो रेट कम हुई है तो पैरेलली आप लोगों के इंटरेस्ट रेट भी कम हो गई है, उसके लिए आपको पर्सनली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो वो कुछ ऑटोमेशन में नहीं हुआ, तो आपने सुर्खियां बटोरने के लिए मेन हेडलाइंस पे दे दिया, देखिए हमने इतने लाखों का पैकेज दे दिया, बट क्या वो ग्राउंड लेवल पे आया? दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पहले से बहुत सारी स्कीम चल रही है, हमारा तो एक स्टार्टअप है और हम काफी टाइम से गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सभी के साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स है, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके अंदर वो बोलते हैं कि हम आपको 2 करोड़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, या फिर अभी थोड़े दिनों पहले गवर्नमेंट ने सिडबी की एक स्कीम आई कि आप इसके अंतर्गत अगर अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल सकता है बहुत आसानी से, पर ऐसा एक्चुअली ग्राउंड्स पे नहीं है। जब आप वापस बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक्स वही जो एक्चुअल में जो बैंक मैनेजर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है पहला, दूसरा उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यही होता है आपके पास कोलेटरल क्या है। अगर आपको 2 करोड़ के लेने के लिए 10 करोड़ का कोलेटरल है तो प्रोबेबली उसको लोन की भी जरूरत नहीं है, वो एक छोटा उद्यमी है, उसके पास नहीं है वो पैसा। उसके पास क्या है? उसके पास वो करने का जुनून है, उसके पास वो क्लियर इंटेंशन है, उसकी क्लियर बैलेंस शीट है।
आप उसको तवज्जो नहीं देके आप कोलेटरल मांगते हैं और फिर कहते हैं हम स्कीम्स हैं, तो उसका कोई मायने नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन और जो गैप है गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सीरियसली, और जैसा कि मुनीश जी ने बोला, एक रैपिड टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी है जहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा ताकि हम उनको प्रॉब्लम बता सकें और उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। अच्छा, हमें आप जैसे न्यूज चैनल्स की भी बहुत सपोर्ट लगेगा इसके अंदर, क्योंकि सारे मीडिया हाउस उस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं जो एक्चुअल में चाहिए, वो चीज प्रमोट कई बार होती है जो एक्चुअली किसी और को चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आम जनता की आवाज बनकर और सरकार तक उनकी बात पहुंचे। इसी उद्देश्य से आज का हमारा कार्यक्रम भी है कि आप जैसे युवा उद्यमी को हमारे साथ जोड़ें और आपकी आवाज हम एक सेतु बनकर सरकार तक पहुंचाएं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन तक आप लोगों की आवाज पहुंचे ताकि पूरे देश का, पूरे व्यवसायियों का, हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे और ऐसी आपदा की स्थिति में हम सब साथ मिलकर एक देश को नया समाज दें। मुनीश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि युवा जो है वो सर्वाधिक अब आईटी के क्षेत्र में आ रहे हैं या किसी न किसी कारण से वो आईटी के फील्ड में आ चुके हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब जो है मुझे लगता है कि एक आईटी ऐसा फील्ड बचा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि उनको काफी अच्छी अर्निंग की उम्मीद है, तो यहाँ पर आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से यही कहूंगा, आईटी तो पहले भी तरक्की कर रहा था, आने वाला टाइम आईटी का है। आईटी एज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी, ये हमारे जीवन का वर्षस्व बन जाएंगे, हमारे जीवन में घुल मिल जाएंगे, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएंगे ये चीजें। लेकिन हम ये नहीं कर सकते सिर्फ आईटी, हमें आने वाले टाइम में बिजनेस प्रबंधन के लिए, व्यवसाय प्रबंधन के लिए एमबीए की भी जरूरत है। लेकिन उसको क्या करना है, उसको अपने आप को आईटी स्किल्स में भी अपग्रेड करना है। अपने कंटिन्यूअस लर्निंग का टाइम आ जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं यूनिवर्सिटी से एमबीए करके निकला था, मैं सारी उम्र उसी पे कमा लूंगा या उसी से व्यवसाय कर लूंगा। अभी कंटिन्यूअस लर्निंग होगी। जैसे हम आज एक भिन्न भिन्न माध्यम से ऑनलाइन आते हैं, हमें उसको भी जानने समझने में 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं कि ये माध्यम कैसे चलेगा, कि ये लाइव कास्ट कैसे होगा। ठीक है, तो आज एक कंटिन्यूअस लर्निंग का समय आएगा जिसमें चाहे आप सीए हैं, चाहे आप एमबीए हैं या आप इंजीनियर हैं, आपको अपने आईटी स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे जिससे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आईटी का टाइम आगे, सारा हर चीज आईटी डिपेंडेंट हो जाएगी। हर व्यवसाय में मैं ये समझता हूँ 50% से भी ऊपर रोल अब आईटी का होने वाला। तो इसके लिए हर युवा को चाहिए कि आज ये सबसे बढ़िया टाइम कैसे, कि अगर आप घर पे बैठे हो, लॉकडाउन की स्थिति में हो, तो घर पे लॉकडाउन की स्थिति में ये बैठने से कि हम तो 3 महीने के लिए घर में कैद हैं, उसकी बजाय लर्निंग कीजिए। ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको फ्री लर्निंग भी मिल रही है, फ्री सर्टिफाइड कोर्स भी मिल रहे हैं, आपकी अपनी अहमियत भी बढ़ रही है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, उससे सबसे बड़ी बात है आपको एक जिंदगी भर की लर्निंग मिल रही है जो आपसे कोई ले नहीं सकता। उस लर्निंग के ऊपर आप इस देश को आगे ले जा सकते हो और खुद की भी अपनी पर्सनल तरक्की भी कर सकते। निश्चित रूप से ज्ञान जो है वो किसी भी क्षेत्र का हो वो आपको हमको लेना चाहिए जिससे कि हम आगे प्रोग्रेस कर सकें, अपनी, अपने समाज की और अपने देश की। यहाँ पर सुशील जी आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि आप युवा उद्यमी हैं, तो आप दूसरे जो युवा साथी हैं जो अपने उद्यम शुरू करना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्री अपनी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, तो आप उनको ऐसी महामारी के बाद, क्योंकि ऐसी संकट की घड़ी है, अगर उसमें कोई अपना काम शुरू करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? जैसे हमने अभी सिटी लाइव के माध्यम से ये शुरुआत की है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज चैनल की, जो हम काफी लोगों से लगातार अटैच हैं और लोगों से इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नए उद्यम शुरू करना चाहते हैं या उनको करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? बिल्कुल दीपक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन क्या होता है, हर एक क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके लेके आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेसेस थे, बहुत ज्यादा कमा रहे थे, कुछ कम कमा रहे थे, कुछ नीचे थे, पर एक तरह से देखा जाए बहुत सारे भी पैरेलल ग्राउंड पे आ चुके हैं। अब यहाँ से कौन तेज भागता है, कौन ज्यादा इनोवेशन करता है, कौन ज्यादा एडॉप्ट करता है, उसके हिसाब से उनका आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। और हम लोग भी इसके भली भांति इसको समझते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या किया है, जैसे हम लोग अभी
कॉलेज से, काफी सारे कॉलेज सिम्बियोसिस से हो गया या फिर नियाम हो गया या फिर काफी सारे डिफरेंट कॉलेजेस से हम लोग इंटर्न्स अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को हम अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं और उनको एक डिफरेंट, काफी सारे स्टूडेंट्स को एंगेज करके हमने इसके ऊपर केवल उनका फोकस कर रखा है कि फाइंड आउट द न्यू अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग इन द बिजनेस, ठीक है, ताकि उनका एक्चुअली तो दिमाग खुले कि यार ये क्राइसिस को क्राइसिस की तरह नहीं देखा जाए कि व्हाट एल्स, व्हाट न्यू। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग मार्केट जा रहे थे, चीजें लेके वापस आ रहे थे, अब वैसा शायद नहीं होगा, मार्केट हमारे यहाँ पे आएगा, मीन्स ट्रांजेक्शन तो होगा, मार्केट को हमारे यहाँ लाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं डेवलप कर सकते हैं उसमें हमें डेफिनेटली अपना दिमाग लगाना चाहिए। अभी कल ही में ग्रोफर्स का एक डिमांड प्लानिंग मैनेजर है, उनसे कल मैं बात कर रहा था कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डिलीवरी जितने भी बिजनेसेस थे वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट डेस्पाइट वो इतना अच्छा कर रहे हैं पर उनके रेवेन्यूज इतने अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर टू टेक सच ए बिग एक्सपांशन, इतना ज्यादा डिलीवरी सिस्टम उनके पास नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिसमें डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो पीपल शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि वहां पे क्या हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम ऐसे डिलीवरी कंपनीज बन सकते हैं, क्या हम उसको। और दूसरा एक और चीज जो निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा हम लोगों को एक फियर फैक्टर कि यार ये चीज में कोरोना है या ये कोरोना नहीं है, अगर कोई भी उद्यमी इसके आसपास अपना बिजनेस प्लान लेके आता है कि क्या ये किसी भी तरीके से मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ कि भले वो मेड हो गई मेरी या मेरा फूड हो गया या मेरी कोई भी सर्विस हो गई वो कोरोना फ्री है, तो हो सकता है लोग उसको ज्यादा एडॉप्ट करेंगे, तो उसके अराउंड आदमी अपने आप को एडॉप्ट, पर उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो उसके बारे में सोचे, खुले दिमाग से सोचे। और जैसे हम लोग, हमने काफी, जब मैं लिंक्डइन पे मैं काफी ज्यादा एक्टिव हूँ और काफी ज्यादा मेरे पास फॉलोअर्स भी हैं, हम छोटे छोटे स्टार्टअप से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हमारे रिसोर्सेस से अगर उनको कोई बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर द कोलैबोरेशन, हमें भी फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा। सो व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग, लेट्स डू मोर कोलैबोरेशन। अगर मेरे पास आज की डेट में 10 गाड़ियां हैं जिसको अभी पूरी यूज नहीं हो पा रही है, मैं अपनी टीम को रिटेन करना चाहता हूं, अगर किसी को डिलीवरी की जरूरत है, किसी को आदमियों की जरूरत है, तो मैं उनको साथ में रुक के कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो कोलैबोरेशन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कोई भी अगर छोटा स्टार्टअप है, अभी उसका ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, अगर वो किसी भी तरीके का रिसोर्स सपोर्ट चाहिए तो वी आर देयर, वी आर रेडी टू हेल्प इन व्हिचएवर फैशन। अगर स्टार्टअप रियली अच्छा है तो डेफिनेटली फंड्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, और रिसोर्सेस का प्रॉब्लम है तो वी आर देयर। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जैसा कि आपने कहा कि अब जो व्यवसाय है, बाजार है, वो हमको जाना नहीं पड़ेगा, बाजार अब खुद हमारे पास, हमारे घर तक आएगा। तो इसका, और एक सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि हम सबको हर चीज कोरोना फ्री चाहिए, अगर कोरोना फ्री होगी तो ज्यादा से ज्यादा ग्राहक, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। तो इस कोरोना फ्री को कौन कर सकता है, इस कोरोना फ्री को आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और अभी फिलहाल हम अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, और जो भी सरकार की गाइडलाइन या हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुनीश जी आपका और सुशील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयर।